आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। अब तक हमने 6 एक्सरसाइजेज में परमोटेशन के बारे में पढ़ा, अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस मैंने अपनी पहली वीडियोस में आप लोगों को बताया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट ग्रुप्स डैट कैन बी फॉर्म्ड बाई चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इग्नोरिंग डैट ऑर्डर ऑफ एन अरेंजमेंट। मेन चीज़ है ये, इग्नोरिंग डैट ऑर्डर ऑफ एन अरेंजमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जब हम अरेंजमेंट मैटर नहीं करता हमारे लिए, जस्ट हमें ग्रुपिंग करनी है, हमें क्लास से दो गर्ल्स उठानी हैं, वो मैटर नहीं करती किसको प्रेसिडेंट बना रहे हैं किसको वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैंने आपकी क्लास से दो गर्ल्स को उठाया, डैट इज़ नाम G1 और G2, मैं उनको नाम दे रही हूँ। अगर मैं G1 और G2 बस दो की एक टीम बना दी, वो क्विज़ के लिए जा रही है, लेकिन अगर दो गर्ल्स को सिलेक्ट करना हो, एक को प्रेसिडेंट के लिए एक को वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो डैट इज़ परमोटेशन, कि मैं G1 को प्रेसिडेंट बना रही हूँ या G2 को वाइस प्रेसिडेंट बना रही हूँ, या G2 को प्रेसिडेंट बना रही हूँ और G1 को वाइस प्रेसिडेंट बना रही हूँ, ये दोनों अरेंजमेंट में आएंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन में तो जस्ट मुझे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। जैसे हम परमोटेशन के लिए NPR यूज़ करते थे, टोटल थिंग्स है NP फॉर परमोटेशन, और R मीन्स मैंने उनमें से कितनी सिलेक्ट करनी है, और इसका फॉर्मूला था हमारे पास N factorial by N minus R factorial। आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं NCR, ठीक है, कॉम्बिनेशन C के लिए इसका फॉर्मूला होगा N factorial by ये वाला R factorial, और साथ में इनकी सब्ट्रैक्शन N minus R factorial। यानी इतना फॉर्मूला तो परमोटेशन वाला ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में खाली ये वाला फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल के साथ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने यही फॉर्मूला याद रखना है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय NCR एन फैक्टोरियल बाय, ये जो नीचे है आर फैक्टोरियल, और एक इन दोनों की सब्ट्रैक्शन N minus R factorial, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 and N, ठीक है। अब हमारे पास छोटे छोटे ये प्रूफ है, ये आपने नहीं करना, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद छोटे से रिमार्क में देखिए क्या कहता है, वी हैव NCR का फॉर्मूला क्या है, N factorial R factorial N minus R factorial। इसी फॉर्मूले को आप दो तीन बार याद करेंगे। इन पर्टिकुलर अगर मैं R को N ही ले लूँ, यानी NCN की वैल्यू निकालूँ, तो देखिए N फैक्टोरियल नीचे जो है वो भी फैक्टोरियल, R की जगह N ही है तो N फैक्टोरियल, और N माइनस N डेट इज़ 0 factorial। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 factorial 1। यानी NCN की वैल्यू जब मुझे N थिंग्स दी गई हैं और मुझे सारी चीज़ एक बारी में उठानी है, ठीक है ना, सबका ग्रुप बनाना है, तो डैट इज़ 1, वो हमेशा 1 रहेगा। N कुछ भी हो, NCN की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद है NC0, अगर मुझे NC0 उठाना हो तो N factorial by 0 factorial N minus 0 factorial, ये भी 1 आ जाएगा। यानी NC0 एंड NCN ऑलवेज क्या रहेगा बच्चे, 1 रहेगा। आप ये दोनों बातें याद रखेंगे, मैं क्या कह रही हूँ, NC0 और NCN दोनों इक्वल हो आएंगे, और किसके इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। हैंस NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय, जनरल फॉर्मूला ये है ना, कह रहा है अगर हम R को 0 भी कर दें तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो ये इक्वालिटी लगा दिया है, पीछे इक्वालिटी नहीं ली थी, अब इसने 0 के लिए पर्टिकुलर R को 0 लेके सॉल्व करके दिखाया, और यहाँ 0 के लिए भी इक्वालिटी यूज़ कर ली। NCR फॉर्मूला का मतलब क्या है, N factorial R factorial N minus R factorial। N माइनस R फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 9 factorial हो तो 9 में से 1 घटाएंगे यानी 8, तो यहाँ N माइनस R कोई क्वांटिटी है, अगली क्वांटिटी क्या आएगी, N माइनस R में से 1 घटा देंगे, फिर N माइनस R में से 2 घटा देंगे, और जब तक लास्ट में हम 2 into 1 तक नहीं पहुँच जाते तब तक, ठीक है। N फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, N, N माइनस 1, N माइनस 2 up to so on, 2 into 1, ये बीच में कहीं ना कहीं N minus R plus 1 भी आएगा, N minus R भी आएगा, N minus R minus 1 भी आएगा, ये आपको मैं पहले परमोटेशन में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये सारे इनसे कट जाएंगे, यानी NCR का मतलब क्या है, N से शुरू करें और R फैक्टर्स लिखें, R फैक्टर्स की प्रोडक्ट करें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में R फैक्टोरियल, इसी का दूसरा मीनिंग है। वैसे तो आप हर क्वेश्चन इससे सॉल्व करना शुरू कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम सेकंड, प्रूव डेट NCR एंड NCN माइनस R की वैल्यू इक्वल आती है, ठीक है।
हमने राइट हैंड साइड उठाई एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर को क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल, नीचे जो है एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन में से ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एन माइनस आर एन प्लस आर हो जाएगा ये फैक्टोरियल, डैट इज़ एन सी आर, यानी ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। एन सी आर और एन सी आर एन माइनस आर की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी, ये आपको यूज़फुल होगा एग्ज़ाम जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इसने एक रिमार्क में कहा भी एन सी पी अगर एन सी क्यू के इक्वल है तो उनका जो पी प्लस क्यू है ना वो एन ही होना चाहिए, यानी नीचे वाला देखो इन दोनों का सम को ऐड करो, आर और एन प्लस आर को अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा, एन ही आएगा ना, कि नीचे कुछ भी दिया हो, ठीक है। अगर उन दोनों का सम ऊपर वाले एन के इक्वल आ रहा हो तो उनकी वैल्यूज़ भी सेम आएंगी, ठीक है। इफ़ एन एंड आर आर नेचुरल नंबर्स, एन और आर कोई भी नेचुरल नंबर हैं, सच डैट आर लाइज में बिटवीन वन एन एंड, देन एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, यानी एन सी आर प्लस एन सी, देखो यहाँ नीचे एक सफिक्स का फ़र्क है, यहाँ आर है तो यहाँ आर माइनस वन, यानी मान लो मेरे पास यहाँ एन की वैल्यू एट है और यहाँ फाइव है, एट सी फाइव प्लस एट सी, यहाँ फोर होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, ये इक्वल होगा नाइन सी फाइव, फाइव माना था ना हमने फाइव, ठीक है ना। अब हम शुरू करेंगे बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लगाएंगे एन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन फैक्टोरियल, डैट इज़ एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को हमने ब्रेक किया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल में, नीचे यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन था, इसको हमने ब्रेक किया एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल में, ठीक है। एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, नीचे बचा आर माइनस, नीचे से कॉमन आया आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, अंदर ये टर्म्स बची, यहाँ एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, ये चीज़ बच गई ऊपर, आर से आर कट जाएगा, एन प्लस वन बचा, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे हमने आर माइनस वन फैक्टोरियल और आर को इकट्ठे लिखा, एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल को इकट्ठे लिखा, ऊपर एन प्लस वन फैक्टोरियल बन गया, नीचे ये बन गया, डैट इज़ एन प्लस वन सी आर, ठीक है। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप थ्योरम थर्ड और थ्योरम फोर्थ नोटबुक पहले समझेंगे फिर नोटबुक पर करके मुझे सेंड करेंगे, आज का यही होमवर्क है, ठीक है। थ्योरम थर्ड एंड थ्योरम फोर्थ आप करके मुझे सेंड करेंगे। फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, इफ़ एन एंड आर आर नेचुरल नंबर्स सच डैट आर लाइज बिटवीन वन एंड एन, देन एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन को सोल्व किया, एन सी आर का फॉर्मूला ये है हमारे पास, एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। कुछ टर्म्स कट जाएंगी यहाँ आपस में, ये बचेगा एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, यही हमारा हमें प्रूव करना था, ठीक है। थ्योरम थर्ड थ्योरम फोर्थ एंड थ्योरम फिफ्थ नोटबुक पर करके आप मुझे सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, आज के लिए यही होमवर्क है, ठीक है। और आप सेंड मुझे पर्सनल नंबर पे करेंगे, ग्रुप पे कोई सेंड नहीं करेगा, ताकि पता तो लगे कौन कौन वीडियो एंड तक देखता है, ठीक है।